हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी लड़की जो 66 साल से लड़का बन के रह रही एक ऐसा देश जहां पर $1 करीब 42,825 रुपए के बराबर है। एक ऐसा देश जहां सुसाइड करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, जापान ने भले ही सुमो रेसलिंग जैसी चीज़ें दी हैं, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि वहाँ पर मोटे होना गैरकानूनी है। वहाँ के कानून के मुताबिक 40 साल से ज़्यादा मर्दों और औरतों की कमर को 32 इंच से ज़्यादा होने की इजाज़त नहीं दी गई है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ज़्यादा खूबसूरत होना पर देश से निकाल दिया जाए? अगर आपको लग रहा है कि क्या मजाक कर रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया में उमर बुकान अल गाला को खूबसूरत होने के कारण देश से निकाल दिया गया। वहाँ की सरकार का यह मानना था कि लड़कियाँ इन्हें देखकर इन पर फिदा हो जाती हैं और ये वहाँ के राजा को खूबसूरती के मामले में चैलेंज कर रहे थे, इस वजह से इन्हें देश से निकाल दिया गया। फैक्ट नंबर 3, यह फैक्ट काफ़ी अजीब है। एक आदमी था जो कि 66 साल का था, उसे अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। जब वह डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया तो उसे पता चला कि वो आदमी नहीं, एक औरत है, और उसने अपने ज़िंदगी के 66 साल आदमी बन के बिता दिए। उसका कहना है कि उसके पेरेंट्स बहुत छोटी उम्र से उसे लड़के जैसे ट्रीट कर रहे थे, इसलिए उसे कभी पता ही नहीं लगा कि वह लड़की है। फैक्ट नंबर 4, ज़िंदगी और मौत पर यूँ तो किसी का कोई जोर नहीं चलता, लेकिन ब्रिटेन में एक कानून की बात माने तो वहाँ पर कुछ वक्त पहले किसी को भी पार्लियामेंट में मरने की इजाज़त नहीं थी और इस पर बैन था। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको लगता है कि आप लकी हो? अगर हाँ तो जानिए सोटिस बाई के बारे में। इन्होंने गार्बेज सेल की दुकान से $3 में एक बाउल खरीदा। उन्होंने बाउल इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी डिज़ाइन उन्हें बहुत अच्छी लगी, पर कुछ साल बाद उन्हें पता चला कि इसकी असली कीमत $2.2 मिलियन है। यह एक ओरिजिनल चाइनीज मेडिटेशन बाउल है। यह केवल दुनिया में एक ही पीस बचा हुआ है जो कि अब म्यूजियम में रखा हुआ है। सोचिए उस व्यक्ति की किस्मत कितनी अच्छी थी जिसने इसे खरीदा, और उस व्यक्ति की किस्मत कितनी बुरी थी जिसने इसे बेचा। फैक्ट नंबर 6, मैं आज आपको माइक्रोस्कोपिक दुनिया की अमेजिंग चीज़ों को दिखाने वाला हूँ, और आप गेस करेंगे ये क्या है। ये जो आप देख रहे हैं यह चींटी का सिर है, ये जो आप देख रहे हैं यह बिल्ली की टंग है, और ये जो आप देख रहे हैं यह सैंड पार्टिकल्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं यह मॉस्किटो के पैर हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि अगर स्पेन में आप स्लीपर पहनकर कार या वाहन चला रहे हैं तो इसके लिए आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और आपसे फाइन भी लिया जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, जब भी करेंसी की बात आती है तो हम सबको बेहद दुख होता है कि इंडिया की करेंसी कितनी कम है, $1 इक्वल टू 75 रुपीस। परंतु एक ऐसा भी देश है जहां इंडिया की एक करेंसी मतलब इंडिया का $1 570 रुपीस के बराबर है। यह ईरान की करेंसी है। ईरान रिगेल सबसे वीकेस्ट करेंसी है। इस देश में बेहद कम लोग ही अमीर हैं। इसमें अमेरिका का $1 42,825 रुपए के बराबर है। यह वर्ल्ड की सबसे वीकेस्ट करेंसी वाला देश है। फैक्ट नंबर 9, जापान को काम को कितना सीरियस लेता है यह तो आप देख सकते हैं, और उन्हें अपने काम पर लेट पहुंचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए जापान में अगर कोई रेलवे ट्रेन के सामने आकर सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसके परिवार को 2 गुना फाइन देना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि उसकी वजह से ट्रेन लेट हो गई और लोग टाइम से नहीं पहुँच पाए। इसी वजह से जापान में मेट्रो ट्रेन के हादसे कभी नहीं होते। अगर हम लोग इंडियन इतने पंक्चुअल हो जाएं, तो क्या कहना। फैक्ट नंबर 10, आप लोगों ने कई देश की आर्मी देखी होगी और उनके हाई इक्विप्ड वेपन भी देखे होंगे, पर आपने कभी ऐसा हथियार नहीं देखा होगा। ईरान जो देश है ना, उसकी आर्मी मिसाइल लॉन्च करने के लिए गधे का इस्तेमाल करती है। वे लॉन्चर को गधे की पीठ में बांध कर इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि इससे उनका टाइम बचता है। वह एक दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं क्योंकि उनकी ज़मीन पथरीली और ऊबड़ खाबड़ होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो
तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें।